स्वागत है आपका डिजायर न्यूज का। आज के एपिसोड में पहली और बड़ी खबर सामने आ रही है। महादेव ऐप से भूपेश बघेल को पहुंचे 5 करोड़, प्रहलाद जोशी बोले होनी चाहिए जांच। जानते हैं पूरी खबर। महादेव ऐप को लेकर प्रहलाद जोशी ने कहा कि आरोपी पकड़ा गया है। उसका कहना है कि उसने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को 5 करोड़ रुपए पहुँचाए हैं। जो पकड़ा गया है आरोपी, वो जब एक्यूज उन्होंने कहा है, जिसको पकड़ा गया है उन्होंने कहा है 5 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री को डिलीवरी मैंने किया हूं। पहले 5 करोड़ दिया है और इसका इसमें आरोप है 500 करोड़ का। ये क्या चीज लेके चुनाव आयोग के पास जाना चाहते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आया है। ये तो सामान्य नागरिक, आम नागरिक को ये समझ में भी नहीं आ रहा है, हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। इसमें जो पकड़ा गया है व्यक्ति बोला है मुख्यमंत्री को ऑलरेडी पैसा पहुंच गया है, तो उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ है नहीं होना है, कितना ही मेरा प्रश्न है बघेल जी को। अगली खबर सामने आ रही है। ओवैसी ने हैदराबाद के नामपल्ली में एक चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा ये अपने बाप की सीट हार गए, दादा की सीट हार गए और हैदराबाद आकर हम पर इल्जाम लगाते हैं। पेठी में इलेक्शन हार गए, अपने बाप दादा नानी का सीट हार गए और हैदराबाद को आकर मजलिस पर इल्जाम लगाते हैं श्रीमान राहुल गांधी, जिनको जनियोधारी कहते हैं कांग्रेस के लोग। अगली खबर सामने आ रही है। मायावती ने ईवीएम पर उठाए सवाल, कहा वोट जरूर दो क्योंकि कभी कभी इनका सिस्टम भी हो जाता है फेल। जानते हैं पूरी खबर। जनसभा को संबोधित करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही हमेशा से ईवीएम का दुरुपयोग किया है। ईवीएम के चक्कर में आप लोग ऐसा मत करना कि वोट डालने ले जाएंगे, वोट जरूर डालना। जो ये धांधली करते हैं कभी कभी इनका ये सिस्टम फेल भी हो सकता है। जो सर्वे हुआ था काका कालेकर की रिपोर्ट आई, उसे कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उस समय लागू नहीं किया। उसके बाद मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, उसे कांग्रेस पार्टी की सरकार ने लागू नहीं किया। तो जो कांग्रेस पार्टी अति पिछड़े वर्गों की मंडल कमीशन की रिपोर्ट को जिसने लागू नहीं किया, काका कालेकर की रिपोर्ट को लागू नहीं किया, आज वो चुनाव के दौरान पिछड़े वर्गों के वोट लेने के लिए जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं जातीय जनगणना की, मेरे ख्याल आप लोगों को इनकी हवा हवाई बातों के बहकावे में नहीं आना चाहिए, खास तौर से पिछड़े वर्ग के लोगों को। अगली खबर सामने है। उदयपुर में कन्हैया लाल के दिन दहाड़े हुई हत्या, रामनवमी पर लगा प्रतिबंध, नागौर में अशोक गहलोत पर बरसे अमित शाह। जानते हैं पूरी खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अशोक गहलोत ने तुष्टिकरण की राजनीति की सारी हद पार कर दी है। राजस्थान में हुए पेपर लीक को लेकर अमित शाह ने अशोक गहलोत की सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पेपर लीक का रिकॉर्ड बना दिया। अशोक गहलोत जी को कांग्रेस के उनके प्रशंसक जादूगर कहते हैं। इन्होंने जादू कर राजस्थान में बिजली घूल कर दी, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कांग्रेस सरकार ने बनाया, पेपर लीक करने का रिकॉर्ड, कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक, हाईकोर्ट एलडीसी की भर्ती का पेपर लीक, एसआई भर्ती का पेपर लीक, चिकित्सा अधिकारियों का पेपर लीक, सीएचओ का पेपर लीक, लाइब्रेरियन भर्ती का पेपर लीक, जेईएन सिविल डिग्री का पेपर लीक, वन रक्षक भर्ती का पेपर लीक, बिजली विभाग के तकनीकी हेल्पर का पेपर लीक और द्वितीय श्रेणी के शिक्षक की भर्ती का पेपर भी लीक किया। गहलोत जी, एक पेपर के लिए एक युवा 2.5-3 साल कठोर मेहनत करता है, कई लोग ट्यूशन की फी भी देते हैं और आप पेपर लीक कर कांग्रेस पार्टी के चट्टे बट्टे को रोजगारी देते हो। सर मानी चाहे गहलोत जी, आपको सर मानी चाहिए।